आप देख रहे हैं अपना समाचार। की बात है कि आज जो है दो दो फिल्मों का मुहूर्त है, क्रोध और गुंडे टू। और अच्छी बात है कि भोजपुरी में जो है कंटिन्यू फिल्में बन रही हैं, और इससे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जैसे फिल्में बन रही हैं तो अच्छी फिल्में बने, क्योंकि हमारे दर्शकों को जो है बड़ा वो रहता है कि भोजपुरी में जो है अच्छी फिल्म है। हमारे दर्शक हमारे फिल्मों को नो डाउट बहुत प्यार करते हैं कि भोजपुरी जो है जब सेकंड पारी शुरू हुई उसके बाद से भोजपुरी में जो आंदोलन आया, जो क्रांति आई फिल्मों का बनने का, तो अच्छी बात है फिल्में इतनी बन रही हैं। लेकिन कोशिश अब ये होनी चाहिए कि अच्छी फिल्में बने और हमारे दर्शकों को अच्छी लगे। और आज माशाल्लाह दो दो फिल्मों का मुहूर्त है, और क्रोध और गुंडे टू, तो मेरी इंटायर टीम को यही शुभकामनाएं है, दुआ है कि फिल्म अच्छी बने और हमारे दर्शक इस फिल्म को जो है पसंद करें, लाइक करें। हाँ, अभी जो इस फिल्म के जो है प्रोड्यूसर जो है रज्जाक जी हैं, अपने पिंटू जी हैं और मनोज जी हैं, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आज भाई जो है हम लोगों ने गुंडे बनाया था लेकिन गुंडे टू बना रहे हैं, क्रोध बना रहे हैं, तो इसमें आपका जो है साथ चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल साथ रहेगा, और इंशाल्लाह फिल्म जो है जल्द शुरू होगी और मैं आप लोगों को दोनों फिल्मों में देखने को मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि अच्छा काम करूं, वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई मायने नहीं रखता, मैं हीरो हूं कि विलेन हूं। मेरा यही सोच है कि मैं हमेशा आजीवन अच्छा काम करूं। अगर दर्शकों का ये अगर च्वाइस रहेगी तो वैसा हो सकता है कि आगे वाले आने वाले समय में मैं आप लोगों को हीरो के रूप में दिखूं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मेरे काम को दर्शक पसंद करे और प्यार करे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिनेमा जो है क्रोध क्रोध और जो है पूरे ठंडे दिमाग के साथ क्रोध को हम जो है बहुत सारी शुभकामनाएं है जी, बिल्कुल। और हीरोइन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अगले जन्मदिन ढेर सारा प्यार, हिट हिट फिल्म का जो है सेलिब्रेट कर। तुम विलेन हो, तुम ज्यादा प्यार वार मत दो, तुम्हारा प्यार देना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। और अपने रज्जाक भाई बहुत अच्छे निर्माता, इनके साथ हमने फिल्म किया था अभी क्रोध वो गुंडे गुंडे, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा मन एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने जी जी। हमारे साथ इसका डायरेक्टर तो अपना ब्रजेश है जी, गुंडे टू का ब्रजेश है। ब्रजेश ब्रजेश जी आइए। तो आज जो है फिल्म गुंडे की जो हीरोइन है प्रज्ञा तिवारी जी, उनका जो है जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पर मेरी तरफ से उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां, और मैं चाहूंगा कि वो जो है ऐसी जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे, काम करती रहे, और हमारा ढेर सारा प्यार, और भैया का भी ढेर सारा प्यार, और हमारे जो डायरेक्टर है गुंडे इनका भी ढेर सारा प्यार बर्थडे के लिए। ब्रजेश जी जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं इनसे झगड़ता भी खूब हूँ, इनको प्यार भी बहुत करता हूँ, और ये बहुत जीवित व्यक्ति हैं जी। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि ये बहुत क्रिएटिव आदमी है, इनके मन में बहुत ज़्यादा क्रिएशन चलता है, अच्छा सिनेमा बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, टेक्निकली स्ट्रांग है। इसलिए भैया ब्रजेश जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद भैया फिल्म के लिए। इतना सब तारीफ कर दी, अब हजम नहीं होगा तो क्या कर पाएंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बाकी और भी सब लोग उनको बुलाइए, ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रोध में और गुंडे में ये तो पता नहीं, दोनों में है, देखिए अभी तो कर रहे हैं दोनों में, तो फिर दोनों में ही समझ लीजिए, डायरेक्टर बोल रहे हैं दोनों में, दोनों में। तो अगली फिल्म का मैं बोल सकता हूँ ना? हाँ, अगली फिल्म का मेरे सुबीर जी मेरे बड़े भाई है, मेरा कहा बिल्कुल नहीं मान, बिल्कुल नहीं, ठीक है भैया।
ये भी समझ सकते हैं, आज हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी समझ सकते हैं कि जैसे सरस्वती पूजा, जैसे हमारे रजाक भाई ने बताया कि आज सरस्वती पूजा का विसर्जन है और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, तो उसके हिसाब से हमने मतलब एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के हिसाब से इसे ये देखा है। बस यही था एक्चुअल में, जैसा मैंने पहले मैं बोल चुका हूँ कि सरस्वती पूजा का विसर्जन है एंड देन सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे था, और दिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दिन अच्छा है करना था। मेरा मेन मुद्दा था एक्चुअल में, हम लोग गुंडे करने के बाद में शायद एक स्टेज पे सब लोगों को इकट्ठा करना और बातें, लोगों से एक बार मिला जाए, एक छोटी सी एक इंजॉय पार्टी की जाए, नॉर्मली गेट टुगेदर टाइप। तो वो कहते हैं ना कि माहौल भी था और दस्तूर भी था, उस हिसाब से जो है किया गया। और कहीं ना कहीं ये भी था कि उसी दिन हमारी हीरोइन की जो है प्रज्ञा तिवारी जिन की बर्थडे था, तो उस चीज़ों को हमने सोचा कि क्यों ना सब चीज़ों को एक साथ सेलिब्रेट किया जाए और सारे लोग एक साथ जो है एक दूसरे के साथ मिले बैठे और बातें। कि ऐसा गुंडे जब हमने बनाई थी, हमने प्लानिंग किया था तभी, तब शायद हमें इतना नहीं मालूम था कि हम लोग कितनी सक्सेस पाएंगे या क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि गुंडे ने अच्छा काम किया और गुंडे एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई है, और इसी हिसाब से हमने चाहा कि हम जो है इसका सिक्वल बनाएंगे, और इसीलिए हमने गुंडे 2 का प्लान किया। क्रोध इसके लिए कि गुंडे के साथ में क्रोध चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ उसमें गुंडागर्दी दिखाई है, तो गुंडे का क्रोध दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर दर्शकों का प्यार मिला, सारे लोगों का सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, और सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहूँगा आप लोगों से, मीडिया से मैं सबसे ज़्यादा तहे दिल से चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे बेहतरीन सपोर्ट हमें आप करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मीडिया जो करिश्मा कर सकती है, जो कमाल कर सकती है, वो शायद किसी दूसरी चीज़ में अब रहा नहीं है, मीडिया के हाथ में ही सब कुछ है। जो इस बार हम लोग जो है मिलके, हम लोग पिंटू भाई और मैंने, आप जैसे पहले कहा कि एक माँ के 2 बेटे हैं, तो हमारा तो कोई ऐसा वो है नहीं है। मैं मनोज जी को अपना पार्टनर कहूँगा DVS एंटरटेनमेंट एंड रजा खान फिल्म प्रोडक्शन का, क्योंकि DVS एंटरटेनमेंट और रजा खान फिल्म प्रोडक्शन अलग नहीं है, वो एक ही हैं, एक 2 भाइयों के नाम बोल सकते हैं आप, तो ये 2 बैनर नहीं है, 2 भाइयों के नाम है, और ये मनोज जी हैं हमारे पार्टनर हैं, ये हमारे साथ इस बार हम लोग मिल के कर रहे हैं। आज ये सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करूँगा, और मेरा नाम मनोज मिश्रा है, ऐसे में क्रोध में मैं प्रोड्यूसर हूँ, और इसके पहले मैंने अर्जुन मूवी में काम किया है एज ए एक्टर के तौर पे, और वहाँ से मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को एक तरुण प्रोड्यूसर भी चाहिए, और तरुण सोच वाला कोई एक आर्टिस्ट भी चाहिए, और तरुण ये चाहिए कि कुछ नयापन आए, यानी कि हमने दोनों ने मिलकर हमने ये सोचा कि कुछ नयापन किया जाए, क्योंकि जब मैंने अर्जुन में काम किया और अर्जुन भी हमारी रिलीज हुई 1 महीने के गैप में, गुंडे भी रिलीज हुई, हम दोनों एक दूसरे को टकरा रहे हैं मार्केट में, और कहीं हमारी मूवियाँ लग रही है, कहीं हमारी मूवियाँ निकल रही है, कहीं गुंडे लग रहा है, कहीं हमारी अर्जुन उतर रही है, कहीं अर्जुन लग रहा है तो कहीं गुंडे उतर रही है, ऐसा। तो हमने दोनों प्रोड्यूसरों ने मिलकर ये तय किया कि हम क्यों ना कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया जाए और काम किया जाए, ये हमारी सोच से आज हम लोग यहाँ पे हैं, और एक नई बेहतरीन सोच से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी का दिन है कि हम आए यहाँ पे, रजाक भाई का ये फिल्म क्रोध और अपना ये गुंडे 2 का जो मुहूर्त कर रहे हैं, और उससे भी खुशी की बात है कि प्रज्ञा तिवारी जी का बर्थडे है, तो मैं अपने तहे दिल से आशीर्वाद प्यार देता हूँ कि प्रज्ञा जी खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और उनके ज़िंदगी में खुशहाल आए, और ढेर सारी फिल्में करते रहें। 2 फिल्में का मुहूर्त हो रहा है, क्या आप हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि रजाक खान जी ने 2 फिल्मों का मुहूर्त किया, और इसमें ब्रजेश मौर्या जी एज ए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो बड़ा खुशी की बात है कि भाई अच्छा लग रहा है कि नया कुछ काम हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। मेरी फिल्म घात आ रही है होली के दूसरे वीक में, और अभी 15 तारीख को मैं घमासान का मुहूर्त करने जा रहा हूँ, तो आप सब लोग का आशीर्वाद प्यार चाहिए, दुलार चाहिए, और ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रहिए, और ऐसे ही सत्येंद्र को आगे बढ़ाते रहिए। आप देख रहे हैं अपना समाचार।